नमस्कार, उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दौरे पर बस्ती पहुंचे, जहां पर सांसद, विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत किया। सीएम ने कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इसी के साथ में यहां पर सीएम ने अधिकारियों के साथ में कोविड को लेकर समीक्षा बैठक भी की है। आजमगढ़ में ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे लोगों को सपा के पूर्व मंत्री व सदर विधायक की ओर से मदद मिली है। बता दें कि जिले में कुछ दिनों पहले ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन अब पूर्व विधायक की मदद से लोगों की परेशानियां कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। लोगों को ऑक्सीजन की पूर्ति कराने के लिए तत्काल इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ में ही विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने महामारी की वजह से अपनी निधि से 25 लाख रुपए दिए हैं। स्थिति को देखते हुए इंजेक्शन से लेके जो भी उसका उपकरण है बीमारी के लिए, उसके लिए मैंने 25 लाख रुपये अपनी निधि से देने का काम किया। साथ साथ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी 1 करोड़ रुपया पीजीआई के नाम में देने का काम किया था। हम लोग इसकी समाजवादी लोग लड़कर के संग्राम यादव जो उत्तराखंड के विधायक वो देने का काम, सभी लोगों ने मिल करके आई इस महामारी से लड़ने के लिए हम लोग जितनी ताकत थी उसको लगा। सुल्तानपुर में एक थानाध्यक्ष ने अनूठी पहल शुरू की है। कच्ची शराब बनाने वाली कई महिलाओं को उन्होंने थाने में बुलाकर अब शराब ना बनाने की कसम दिलवाई है, साथ ही अन्य काम को करने की सलाह दी है। फिलहाल थानाध्यक्ष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और सुर्खियां बटोर रहा है और लोग उनके इस पहल की सराहना भी कर रहे हैं। बंधुआ कला थाना में बाबा का सगरा और उसके आसपास के जो गांव हैं वहां कच्ची शराब बनाने की काफ़ी शिकायतें रहती हैं और पुलिस तथा आबकारी विभाग द्वारा लगातार उस पर नज़र भी रखी जाती है। फिर भी चोरी छिपे शराब की घटनाओं के होने के पीछे मुख्य कारण है कि उनके पास कोई और रोजगार का ऑप्शन नहीं है। पुलिस की पहल पर एक तो उनको रोजगार, जो उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध कराया गया है और शीघ्र ही एक कार्ययोजना के साथ हम लोग इस क्षेत्र में उतरेंगे। वहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं इस तरह के, उनको रोजगारोन्मुख सहायताएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हम उन्नाव के बांगरमऊ में व्यापारी हत्याकांड में पुलिस को सफलता मिली है। व्यापारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि हिंदू संगठन का क्षेत्रीय पदाधिकारी ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। हत्या में 3 लोग शामिल हुए और उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आतंकवादियों ने श्रीनगर कुलगांव के पास में हमला किया है। इस हमले में गोरखपुर के लाल कमांडर नवीन सिंह शहीद हो गए। नवीन के शहीद होने की सूचना सीओ ने उनके परिजनों को फोन पर दी। पोस्टमार्टम के बाद में शहीद का शव आज उनके घर पहुंचा। यहां पर राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार सैनिक सम्मान के साथ में किया गया। अंतिम यात्रा में नम आंखों से हजारों लोगों ने उनको अंतिम विदाई दी। शाहजहांपुर के थाना निगोही में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में जमकर फायरिंग हुई। पूरी घटना के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों के ऊपर लूट समेत कई मामले पहले से दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद में बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस और 3 बाइकें बरामद की गई हैं। कल रात एसओजी एवं थाना निगोही पुलिस के संयुक्त अभियान में एक अंतर जनपदीय लुटेरों के गिरोह को एक साहसिक मुठभेड़ में गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इसमें जो अभियुक्त पकड़े गए हैं ये सभी जनपद हरदोई के रहने वाले हैं, थाना शाहबाद क्षेत्र के। यहाँ इनके द्वारा थाना निगोही क्षेत्र में अप्रैल एवं मई में 2 घटनाएं की गई थी, जिसमें जो तकादा करके लोग वापस जा रहे थे उनसे जो तकादे के रुपए थे वो छीन लिए गए थे। तो इसके आधार पर इसकी सुराग रशी चल रही थी और बहुत सारे डिजिटल एविडेंसेस के आधार पर ये चीज क्लियर हो गई कि ये जो अपराधी हैं ये फला जगह। रामपुर के बिलासपुर तहसील के हयात नगर गांव में झोलाछाप डॉक्टर की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
एक क्लिनिक पर भारी तादाद में मरीज व तीमारदार दिखे। इसके बाद में मौके पर पहुंचे ACMO देवेश चौधरी ने वहां पर मौजूद कर्मियों से पूछताछ की और जमकर फटकार लगाई। क्लिनिक को सील करने की कार्रवाई की गई है और झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। कोई झोलाछाप है वो प्रैक्टिस कर रहा है और वहां पेशेंट पाए गए हैं। तो इस सूचना के आधार पर वहां मौके पर निरीक्षण किया गया। जब मौके का निरीक्षण किया गया तब तक वहां झोलाछाप डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहा था वहां से फरार हो चुका था। अजी डॉक्टर साहब, सूचना किस चीज की? मरीज झोलाछाप डॉक्टर की दुकान पर कैसे कैसे इलाज होते थे? हाँ जी, जब वहां मौके हुए तो वहां डॉक्टर तो फरार हो गया था और मौके पे एक पेशेंट मिला हमें वहां जो लूज मोशन से मतलब पेट में दर्द और इस तरीके से। मैनपुरी के कुरावली में दबंगों के हौसले इन दिनों बुलंद नजर आ रहे हैं। एक परिवार को दबंगों ने काफी परेशान किया और इस वजह से परिवार के एक सदस्य ने पैसों की वजह से आत्महत्या कर ली और इस पूरे मामले के बाद में अब पीड़ित परिवार ने SP से न्याय की गुहार लगाई थी। पीड़ित परिवार की मांग है कि दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पति ने सुसाइड कर लिया था। कितने तारीख को? 20 की। आरोपी की शिकायत दर्ज कराई गई, कुराली थाने में पर कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। उसके बाद यहाँ पे आई 24 को, यहाँ पे भी कोई कार्रवाई शुरू नहीं। यहाँ कह दिया गया कि कुराली जाओ, अपनी कार्रवाई शुरू होगी। तो उसके बाद से अभी तक तो कोई नहीं। आपके आपके हस्बैंड ने सुसाइड किया, क्यों किया, क्या कारण था? विरोधी पक्ष वाले थे, उन्होंने थोड़ा कर्जा लिया था और दे ना पाए, इस वजह से वो लोग आगे डेली धमका देते, टाइम भी पूरा नहीं। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव बरामद हुआ है। युवक की हत्या के बाद उसके परिवार वालों ने ससुराल जनों पर हत्या करने का आरोप लगाया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इनकी जो घरवाली थी और उनके आपस में कुछ मतलब ऐसी घटना चल रही थी, आपस में लड़ाई बड़ाई थी, तो ये छोड़ के आए थे आज, उनको कल भी छोड़ के आए, फिर आ गई थी खुर्जा इनकी ससुराल है और फिर वहां से आने के बाद फिर छोड़ गए थे। और वहां पे क्या हुआ कि घरवाली को अंदर कर लिया उसकी माँ ने और इनको अंदर भी घुसने दिया, बाहर के बाहर भगा दिए। इनके साथ मारपीट और मारपीट हुई वहां पे। और आने के बाद में मैं अपने बैठक पर बैठा हुआ था और मैंने इनसे पूछा भैया क्या बात है, तो कहने लगे कि भैया मेरे उसके भाई आया था और उसके भाई ने उसको ले गया तो मैं उसको खुद ही छोड़ आया और मेरे को अंदर भी नहीं घुसने दिया और मैं घर आ गया अपने को। आने के बाद में फिर वो घर आ गए और हमें शाम को पता लगी कि वो खत्म हो गए। खत्म कैसे हुए? कैसे खत्म? ये हुआ कि उनके बड़े भाई यहाँ पे गाय को पानी पिला रहे थे, ये उनके बड़े भाई हैं और इन्होंने मोटरसाइकिल पर दो दो बंदे आए थे और दो मोटरसाइकिल थी। और बुलंदशहर में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस भी दस्तक दे चुका है। जिले में ब्लैक फंगस के 4 मरीज मिले हैं। मरीजों का इलाज कैलाश हॉस्पिटल खुर्जा में किया जा रहा है जिसमें से एक मरीज का उपचार हो रहा है और उसकी मौत हो गई है, ये जानकारी मिली है। वहीं स्थानीय चिकित्सा प्रशासन मामले का संज्ञान लेते हुए उचित प्रबंध करने का आश्वासन दे रहा है। ब्लैक फंगस जो है पहले भी बीमारी होती रही है लेकिन पहले केसेस बहुत कम होते थे। जो कोरोना काल के एपिडेमिक पेंडेमिक में इनकी संख्या कुछ बढ़ गई है। जो कोरोना से पीड़ित रहे हैं और उन्हें वो डायबिटीज के भी मरीज रहे हैं और उन्होंने जो है स्टेरॉइड काफी समय तक लंबे समय तक लिया है तो उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में युवक की बड़ी बेरहमी से पिटाई की करती हुई नजर आ रहे हैं। करीब 6 लोग मिलकर एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। बदमाशों की यह हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई है। वायरल वीडियो के आधार पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बदायूं के तहसील दातागंज नगर में जिला कृषि अधिकारी ने खाद्य बीज की दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामानों का सैंपल भी लिया गया। यहां पर अधिकारी ने किसानों से खाद्य बीज के बारे में भी रेट की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोई भी गलत तरीके का खाद्य बीज ओवर रेट पर नहीं बेचा जाना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे जनपद में कृषि से संबंधित इस समय किसानों के लिए बीज और खाद की उपलब्धता के संबंध में देखना है कि किसी किसान को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है और दुकानें खुल रही हैं कि नहीं खुल रही, तो इनका स्टॉक भी चेक किया जा रहा है और इनसे सैंपलिंग भी की जाएगी जिससे कि क्वालिटी युक्त है कि नहीं।
देश का अन्नदाता एक बार फिर से परेशान दिख रहा है। गेहूं की तुलाई में भारी गड़बड़ी हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 100 क्विंटल गेहूं के रजिस्ट्रेशन पर लेखपाल द्वारा रजिस्ट्रेशन सत्यापित किया जाता है। क्षेत्रीय सहकारी समितियां 20 क्विंटल से ज्यादा किसानों के गेहूं को नहीं खरीद रही हैं। इसके अलावा 1 से 2 महीने पुराने टोकन होने के बाद भी किसानों की गेहूं की तुलाई नहीं की जा रही है। गेहूं की तुलाई की समस्या को लेकर किसान अधिकारी से मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि समस्या का हल नहीं हुआ तो वो प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। बदायूं में कोरोना की गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पर शादी समारोह में काफी संख्या में भीड़ नजर आई और बिना मास्क के ही इकट्ठा हुए जो भीड़ थी उसने शासन का बिल्कुल भी खौफ नजर नहीं आया। इस दौरान किसी ने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पूरे मामले में थाना प्रभारी की ओर से सफाई पेश की गई है। तो कोरोना नियमों की जो जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बदायूं की ये तस्वीरें हैं। अब इस पर जवाब तलब किया जा रहा है कि आखिरकार ऐसा कैसे होने दिया जा सकता है। इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और जमकर नियमों की धज्जियां जो उड़ाई गई हैं वो किसके आदेश पर उड़ाई गई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगी। वहां पर लोग डांस करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, नृत्य चल रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों के मुंह पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा और सोशल डिस्टेंसिंग की तो खुलकर धज्जियां उड़ाई ही गई हैं इस पूरे समारोह में। तो बदायूं की ये तस्वीर है जहां पर अब जवाब तलब किया जा रहा है कि आखिरकार किसके आदेश पर ऐसा किया गया। पूरे मामले पर थाना प्रभारी की ओर से सफाई पेश की गई है। वहीं सीतापुर के मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र में एक युवक का फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव मिला है। परिजनों का कहना है कि मृतक सुबह शौच के लिए घर से बाहर निकला था, जिसके बाद उसे फांसी के फंदे पर लटका हुआ संदिग्ध हालत में पाया गया। परिजनों ने स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी है, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामले में जाँच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में शव लटकता हुआ पाया गया है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।